नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और बेहतर वीडियो में। तो मुझसे आगे किस्मत में दोस्तों, आज हम आए हैं टोरंटो की बाहुबली में और आप देख रहे हो कि जो स्ट्रीट फूड का जो व्यू है सारा। तो दिवाली के एक दिन पहले, मतलब दिवाली नाइट ही है हमारी ऑलमोस्ट, तो हम इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ टोरंटो में। और यहाँ पे मतलब आप देखोगे कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं, मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह खाने। और एक बार आप पूरा व्यू दिखा दो पूरा स्ट्रीट फूड का। जैसे हमारे इंडिया में वाइब आती है ना, जैसे मुंबई में चौपाटी टाइप होगी, सेम वैसे ही एक स्ट्रीट फूड की वाइब है यहाँ पे। मतलब आओ और ट्राई करो डिफरेंट, अगर आपको क्रेविंग होती है, और स्पेशली बड़ा पाव। और हमने कुछ ऑर्डर वगैरह किए, चने भटूरे वगैरह हमने ऑर्डर किए, चाय वगैरह ऑर्डर किए। ये रहा हमारा ऑर्डर, चने भटूरे। तो हमने चने भटूरे ऑर्डर किए हैं, खाओ गली मैंने आपको बताया टोरंटो में। तो आप आज आ सकते हो, तो मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ किस तरह का टेस्ट है, ताकि ऑसम टेस्ट। मतलब अगर आप आ रहे हो, वैल्यू फॉर मनी आपकी। और हमने चने भटूरे, चाय, समोसा चाट, बड़ा पाव वगैरह ऑर्डर किया। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो जरूर इस चीज़ को ट्राई करो। अगर आप पीछे कैमरा घुमाते हो तो हमारे साथ और भी हमारे दोस्त आए हैं, अभी छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आ जाओ चाय पी लो। हमारा खाना पीना हो गया और ये था कि तो ये है हमारा, मतलब खाने पीने हम आए हैं। उसके बाद हम आपको टोरंटो का व्यू दिखाएंगे, नाइट व्यू, क्योंकि डांस वगैरह होता है यहाँ पे, तो वो भी आपको वहाँ पे ले जाएंगे। तो फिलहाल पहले साथ की पेट पूजा पहले काम कर ले, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो वही इस पर फोकस है हमारा। अभी मैं धीरज भाई को बोलूँगा कि एक बार ये पूरा व्यू दिखा दो इनको, इतनी ज़्यादा स्ट्रीट्स लोकल शॉप है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए यहाँ पे। जैसे हमारा न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है, सेम वही यहाँ पे कनाडा में यंग एंड डंडा स्ट्रीट, मतलब टोरंटो में ही। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग गैदरिंग करते हैं और पीछे बैक साइड यहाँ पे डांस वगैरह होता है। आपने काफ़ी रील इंस्टाग्राम में देखी होगी, ये वही लोकेशन है यहाँ पे डांस वगैरह होता है। सामने अभी वो लगना शुरू हुआ नहीं, हो जाएगा वो जल्दी शुरू। और ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर भी आप देख रहे हो ट्रैम भी आ रही है यहाँ पे। ये बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे। अगर आपको टोरंटो के बीच ही आपको मूव करना है, तो यहाँ पे ट्रैम के थ्रू आप लोग मूव कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नेथन फिलिप स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जब विंटर जो स्नोफॉल होगी, यहाँ पे आइस रिंक बन जाती है, यहाँ पे लोग स्केटिंग करते हैं। और ये टोरंटो की वन ऑफ द फेमस, आप बोल सकते हो वन ऑफ द फेमस स्पॉट है, यहाँ पे लोग आते हैं विंटर्स में। तो पीछे आप देख रहे हो कि फेमस टोरंटो का जो साइन अप होगा, यहाँ पे जब स्नोफॉल होगी तो यहाँ पे आइस स्केटिंग का जो है इन्होंने रिंक बना देंगे, ताकि लोग स्केटिंग का मज़ा लें यहाँ पे। और आप देख रहे हो पूरी साइड में कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स है सारी। और पीछे अगर आप वो देखोगे, अगर आप वहाँ पे दिखा दें तो क्लॉक टावर है, तो क्लॉक टावर का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हो वॉच टावर, मतलब क्लॉक टावर। इसका आर्किटेक्ट देखो कितना मतलब पुराना है। कौन जीतेगा जगप्रीत? ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। तो
ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज का जो ब्लॉग था वो दिवाली ब्लॉग था, और हमने दिवाली सेलिब्रेशन की और टोरंटो गए थे, उसके बाद खाना पीना घूमने वगैरह। तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा ब्लॉग। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो। चलो बाय।